मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस। किड्स, आई एम योर हिंदी टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टेक हिंदी लैंग्वेज क्लास। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी में आचार संज्ञा शब्द संज्ञा पाठ पूरा करा दिया है। अब मैं आपको उसके आगे पाठ 15 शब्द भंडार कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज की कॉपी निकालेंगे और हेडिंग डालेंगे पाठ 15। उसके नीचे नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी शब्द भंडार और उसके नीचे होगी पर्यायवाची, ये भी आपकी हेडिंग है। तो करना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एक लाइन, समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इसके बाद अब हेडिंग डालेंगे शब्द और उसकी थोड़ी दूर पर हेडिंग डालेंगे पर्यायवाची। इधर हेडिंग शब्द, उधर पर्यायवाची और करना शुरू करेंगे। पहला है आग, इसका होगा अग्नि पावक। इसका क्या होगा? अग्नि पावक। उसके बाद है नंबर दो आंख, इसका होगा नयन नेत्र, नयन नेत्र। उसके बाद है नंबर तीन आकाश, इसका होगा अंबर गगन। उसके बाद है नंबर चार अतिथि, इसका होगा मेहमान आगंतुक। उसके बाद है नंबर पांच आनंद, इसके बाद होगा हर्ष उल्लास। इसके बाद है इच्छा, इसका होगा कामना अभिलाषा। कामना और अभिलाषा। इसके बाद मैं आपको और कराने जा रही हूँ। इसके बाद है नंबर सात, इसका है पुत्र, इसका होगा सुत आत्मज। इसके बाद है नंबर आठ कमल, इसका होगा जलज पंकज। इसके बाद है नंबर नौ, इसका है किनारा, इसका पर्यायवाची होगा तट कूल। नंबर दस है, कपड़ा, इसका है वस्त्र और वसन। नंबर ग्यारह है
कृपा, इसका है दया और मेहरबानी। नंबर 12 है मानव, उसका है मनुष्य और नर। नंबर 13 है जंगल, उसका है वन और विपिन। इसके बाद है नंबर 14, नंबर 14 है जल, इसका है पानी और नीर। इसके बाद है नंबर 15, इसका है झंडा, इसका है पताका और ध्वजा। मैंने आपको पर्यायवाची 1 से लेकर 15 तक करा दिए हैं। इसके आगे और पर्यायवाची हैं जो आपको मैं पीडीएफ के द्वारा सेंड करूंगी, जो आप देखकर अपनी कॉपी में पूरा करेंगे। इसके बाद मैं आपको एक आर्य और कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज की किताब निकालेंगे, पाठ 19 पेज संख्या 88 यानी की 88 अपठित गद्यांश खोलेंगे और उसमें देखेंगे। तो बच्चों मैं पहले आपको बता दूं कि अपठित गद्यांश क्या है। अपठित अर्थात जो कभी पढ़ा ना जाए, जो अपठित मतलब होता है जो हमने कभी पहले पढ़ा ना हो। अपठित गद्यांश को समझने के लिए उसे ध्यान पूर्वक पढ़ना आवश्यक है। अपठित गद्यांश होता है जिसको हमने पहले पढ़ा ना हो। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके कुछ प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको करने हैं। तो मैंने आपको आज उदाहरण 1 दे रही हूँ जिसमें आपको पहले से ही पूरा सॉल्व है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है और इसे तैयार करना है। तो देखते हैं उदाहरण 1, पराधीनता में सुख नहीं मिलता, यह कथन नितांत सत्य है। सोने के पिंजरे में बंद पक्षी को वह सुख कहाँ जो उसे स्वच्छंद आकाश में विचरण करने में मिलता है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की है, गुलामी एक अभिशाप है और स्वतंत्रता एक वरदान। इसी स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे अनेक वीर शहीद, ये आपका गद्यांश था और इसके प्रश्न उत्तर दिए हैं। प्रश्न 1, पक्षी को सुख कहाँ मिलता है। इसका उत्तर है, पक्षी को सुख खुले आकाश में घूमने पर मिलता है, जहाँ कोई रोक टोक या बाधा या सीमा नहीं होती है। वह जहाँ जहाँ वह जहाँ तक जाना चाहे जा सकता है। प्रश्न 2 है, मनुष्य के लिए अभिशाप क्या है। इसका उत्तर है, मनुष्य के लिए पराधीनता या गुलामी सबसे बड़ा अभिशाप है। प्रश्न 3 है, अनेक वीर क्यों शहीद हुए। जब हमारा देश गुलाम था उस समय गुलामी के इस कलंक को मिटाने के लिए भारतीयों ने एकजुट होकर संघर्ष किया। इस आजादी को पाने के लिए बहुत से वीरों को शहीद होना पड़ा। फिर प्रश्न 4 है, अर्थ लिखिए। इसमें 4 शब्द दिए हैं, इनके अर्थ हैं लिखने हैं आपको, नितांत बहुत अधिक, स्वच्छंद आजाद, पराधीनता गुलामी या दासता, विचरण मतलब घूमना। फिर प्रश्न 5 है, विलोम शब्द लिखिए। इसमें भी 4 शब्द दिए, इनके आपको विलोम लिखने हैं, पराधीन का विलोम स्वाधीन, सत्य का असत्य, आकाश का धरती या पाताल और एक का अनेक। बच्चों ये आपको पेज संख्या 88 में यानी 88 में जो अपठित गद्यांश उदाहरण नंबर 1 है, ये कॉपी में आपको पर्यायवाची के बाद पूरा करना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।